नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार। आप देख रहे हैं चैनल दीपक खरे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसबीआई पोस्ट के बारे में, जो कि पिछले दिनों ही इसकी जॉब वैकेंसी निकली है 19 जनवरी के आसपास, और इसमें कम से कम 8,000 से अधिक पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकली है। क्योंकि आज हम बात करेंगे कि आज ये जो टॉपिक है इस वीडियो का, कि बहुत कम पास क्यों हो पाएंगे एसबीआई के क्लर्क में। क्योंकि इसका एक मुख्य रीज़न ये है कि पहले क्या होता था कि हमें 1 घंटे में प्री जो एग्ज़ाम रहता है एसबीआई के क्लर्क का, तो उसमें पूरा फिक्स रहता था कि हमें पूरा 1 घंटा मिलना है। तो 1 घंटे में आप अपने हिसाब से टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो कि इंग्लिश को हमें कितना देना है, रीजनिंग को कितना देना है, मैथ को कितना देना है। जिसमें कम टाइम लगता था उसको हम पहले सॉल्व कर लेते थे, कोई भी एक सब्जेक्ट है उसको पूरा करने के बाद फिर हम सबसे लास्ट में लेंथी सब्जेक्ट पर आते थे। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी रहती थी, और इसी तरह से हमें कोचिंग में पढ़ाया जाता है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपको उनको सॉल्व करना है, उसके बाद धीरे धीरे आप टिपिकल थोड़े क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के लिए बैठेंगे। तो बात अब ये हो रहेगी, अब जो नया 2018 का नया सेशन चालू किया उन्होंने, एक नया किया कि उन्होंने पूरा डिवाइड कर दिया तीनों सब्जेक्ट के लिए, एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया है, एक लिमिट लगा दी है 20-20 मिनट की, तीनों पे लिमिट लगा दी है कि इंग्लिश जो सब्जेक्ट रहेगा वो उसको आपको 20 मिनट के अंदर ही सॉल्व करना है, रीजनिंग रहेगी उसको भी आपको 20 मिनट के अंदर सॉल्व करना है, और जो इसके बाद नेक्स्ट जो रहती है मैथ उसको भी आप 20 मिनट के अंदर ही अंदर आपको सॉल्व करना है। तो इसमें प्रॉब्लम ये आने वाली है कि पहले हम जो इंग्लिश में कम टाइम लगा देते थे, 10 मिनट का टाइम रहता था, तो जो बचता था टाइम उसमें उस जो बचे हुए टाइम को हम थोड़ा रीजनिंग में देते थे, और उस रीजनिंग के अलावा थोड़ा मैथ में भी दे दिया करते थे। लेकिन अब ये प्रॉब्लम होने वाली है, हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाएंगे। अब 20 मिनट के अंदर अंदर हमें इंग्लिश पूरी क्लियर करनी है, मैथ 20 मिनट में आपको निपटाना है, और साथ ही साथ आपको जो 20 मिनट बचेंगे लास्ट के उसमें आपको रीजनिंग निपटानी है। तो इसी कारण से बहुत से स्टूडेंट ऐसे रहेंगे जिनका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं रहेगा, तो वो फेल हो सकता है। दोस्तों, ये जानकारी, ये वीडियो जितने भी दोस्त लोग हैं आपके वो फॉर्म भर रहे हैं एसबीआई का, तो प्लीज़ उन्हें शेयर जरूर करिएगा ताकि उन्हें उनके लिए ये काम आ सके वीडियो। और मुख्य बात ये है दोस्त कि बैंक वाले पेपर में अधिकतर फेल क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि क्वेश्चन तो बहुत ईजी रहते हैं, थोड़ा सा लेंदी करके वो ऐसे घुमा के पूछते हैं हमसे कि थोड़ा सा लगे कि कठिन है, लेकिन आपको क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। लेकिन होता क्या है, टाइम का मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। एक क्वेश्चन में कितना टाइम देना चाहिए, यदि आप ये डिसाइड करके आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका ये कोई नहीं रोक सकता कि आप क्रॉस ना कर पाओ एसबीआई का, क्योंकि उसमें सवाल ज्यादा टाइप नहीं आते, थोड़ा सा टिपिकल घुमा के आपसे पूछते हैं, उसी में हमारा टाइम ज्यादा चला जाता है। तो दोस्त, करना ये है आपको, पहले डिसाइड कर लेना है कि आपको कितने सेकंड में एक सवाल को पूरा करना है। दोस्तों, मैंने भी इस जो पोस्ट निकली है उसका फॉर्म मैंने भी भरा है, अब मैं पूरा प्रयास करूंगा कि ये मैं भी इसे क्वालिफाई कर सकूं। तो प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए, हम लोग आपस में अटैच रहेंगे, डाउट क्लियर करते रहेंगे, मुझसे जितना हो पड़ेगा मैं रिसर्च करके आपको बताता रहूंगा, आपसे जितना हो सके प्लीज आप भी हमारी हेल्प करिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, कोई भी आपको डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा ताकि हम भी उसका क्वेरी जो आपकी है वो भी सॉल्व कर सकें। तो प्लीज आप थोड़े हमारा साथ दीजिए, हम थोड़ा आपका साथ देंगे इस पेपर में, ना सही अगले जो भी वैकेंसी निकलेंगी आगे होने वाले समय में भी हम कहीं ना कहीं सेटल हो ही जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, ऐसे ही नॉलेजेबल और स्टूडेंट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और दबाए बेल आइकन, जिससे आप हमारे सबसे पहले वीडियो देख सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।